युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट टीम की बैकबोन कहलाते थे। भले ही आज युवराज सिंह भारतीय टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन युवराज सिंह ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2011 और 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाकर एक नया इतिहास रच दिया। युवराज सिंह का नाम उन चुनिंदा खिलाड़ियों में लिया जाता है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। आज हम आपको युवराज सिंह के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। नंबर 1, युवराज सिंह वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस वर्ल्ड कप की जीत की किताब पर कवर भले ही धोनी का विजयी छक्का रहा हो, लेकिन यकीनन उस जीत के लेखक युवराज सिंह रहे हैं। युवराज इस वर्ल्ड कप के दौरान 2 जंग लड़ रहे थे, एक विरोधी टीम से, दूसरी खुद से। नंबर 2, जब युवराज सिंह को पता चला कि उन्हें कैंसर है तो बाकी लोगों की तरह उनके दिल में पहला ख्याल यह नहीं था कि वह जिंदा रह पाएंगे या नहीं, उन्हें तो सिर्फ इस बात का डर था कि क्या वो दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं। नंबर 3, क्रिकेट के प्रति उनका यह जुनूनी तो है जिसकी वजह से उन्होंने हार नहीं मानी। कैंसर के नाम से जहां लोग कांपने लगते हैं, वहीं इस खिलाड़ी ने इस बीमारी से लड़कर मैदान पर वापसी की और साबित किया कि क्रिकेट उनके लिए खेल नहीं बल्कि उनकी दुनिया है। नंबर 4, युवराज सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टेस्ट ऑफ माई लाइफ में लिखा है कि उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान मुझे खून की उल्टियां हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मुझे नींद नहीं आती थी, इस कारण मुझे कई बार नींद की गोलियां दी जाती थी ताकि मैं मैच के लिए तरोताजा रहूं। नंबर 5, युवराज सिंह ने 2011 के विश्व कप में 9 मैचों में 90.50 की औसत से 362 रन बनाए और 15 विकेट भी लिए। ऐसे शानदार प्रदर्शन के लिए 2011 वर्ल्ड कप में युवराज को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। नंबर 6, युवराज सिंह ने जब संन्यास की घोषणा की तो वह बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वह 2019 IPL का फाइनल खेलना चाहते थे और संतुष्टि के साथ क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते थे। यूवी ने कहा, ना तो मैं रन बनाने में सफल रहा और ना ही मुझे खेलने का मौका मिल रहा था। नंबर 7, यूवी ने कहा कि हम IPL जीते लेकिन मुझे अंतिम 11 में ज्यादा मौके नहीं मिले। मुझे यह संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी कि मुझे अंतिम 11 में मौके नहीं मिल रहे, लेकिन किसी को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। मैंने तय कर लिया कि 2019 का IPL मैच मेरा आखिरी IPL होगा। नंबर 8, युवराज सिंह का जन्म चंडीगढ़ के पंजाबी परिवार में 12 दिसंबर 1981 को हुआ था। इनके माता का नाम आम सबनम सिंह, इनके पिता का नाम युवराज सिंह है जो कि एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। नंबर 9, युवराज सिंह को बचपन में टेनिस और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में रुचि थी और ये इसमें काफी अच्छे भी थे। युवराज ने नेशनल अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप भी जीती है, उन्हें क्रिकेट में उतनी रुचि नहीं थी। नंबर 10, युवराज सिंह के पिता उन्हें एक क्रिकेटर बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने युवराज सिंह को सब कुछ छोड़कर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए कहा। नंबर 11, युवराज सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV पब्लिक स्कूल से की। इन्होंने चाइल्ड स्टार के रूप में 2 फिल्मों में भी काम किया। नंबर 12, युवराज सिंह के करियर से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा व्यक्त बताया जाए तो यह है कि जब युवराज सिंह टीम इंडिया से बाहर थे तो उस समय युवराज के पिता योगराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह को टीम इंडिया में शामिल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण युवराज सिंह का करियर धोनी खराब कर रहे हैं। नंबर 13, इसके बाद खुद युवराज सिंह को आगे आकर अपने पिता की बातों का खंडन करना पड़ा था। 2011 विश्व कप के बाद युवराज सिंह टीम इंडिया के अंदर बाहर हो रहे थे, उस समय युवराज सिंह का करियर विवादों से भरा था। नंबर 14, कैंसर की बीमारी से जूझने के बाद युवराज ने कैंसर की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए UVCAN नाम का एक NGO खोला जिसमें कैंसर से पीड़ित लोगों के इलाज में मदद की जाती है। नंबर 15, युवराज सिंह का जर्सी नंबर 12 है और ये इसे अपना लकी नंबर मानते हैं क्योंकि इनका जन्म भी 12 नवंबर को हुआ था। नंबर 16, युवराज सिंह ने कूच बिहार ट्रॉफी में एक मैच के दौरान 358 रन बनाए। इस बेहतर प्रदर्शन के कारण युवराज को अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला था। नंबर 17, युवराज ने 2000 में केन्या के खिलाफ ICC नॉकआउट ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था जहां उन्हें पहले मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 80 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली। नंबर 18, युवराज सिंह के नाम T20 में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड है जहां उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाई थी। नंबर 19, युवराज सिंह का नाम उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनका बॉलीवुड से गहरा नाता है। युवराज ने 2016 में हेजल कीथ से शादी की थी, हालांकि हेजल से पहले युवराज का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था। इन एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण, प्रीति जिंटा, किम शर्मा जैसी चर्चित हस्तियों के नाम शामिल हैं। नंबर 20,
बात 2007 की है, T20 वर्ल्ड कप भारत और इंग्लैंड का मैच हो रहा था। युवराज और धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी फ्लिंट ऑफ यूवी को छेड़ने लगे। बातों बातों में दोनों के बीच बहस होने लगी, जिसे अंपायर ने शांत करा दिया। फिर युवराज ने बल्ले से करारा जवाब देते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर सभी प्रशंसकों का दिल भी जीता था। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि 2019 में यूवी का रिटायरमेंट का फैसला सही है या नहीं।